दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान के सिवा जाना कहाँ हो बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान सो लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह अस्सलामुअलैकुम देख रहे हैं शेफ बाबजरा यूट्यूब चैनल तो जी आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। तो जी क्यों के है आज जश्न आजादी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की बर्थडे हो और हम वो सेलिब्रेट ना करें। तो चलिए आज फिर हम बनाते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान का बर्थडे केक और कुछ कप केक। तो चलिए चलते हैं अब अपने किचन में और आज करते हैं बेकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आप बनाएंगे तो मुझे याद करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही वेल मैनेज रेसिपी है जिसमें से आप केक भी बना सकते हैं और कपकेक्स भी बना सकते हैं। यानी कि केक और कपकेक्स बनाने के लिए आपको अलग अलग रेसिपी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक ही रेसिपी बनाएं और उसी में से आप केक भी बना सकते हैं और कपकेक्स भी बना सकते हैं। ये टोटल 3 पाउंड की रेसिपी है जिसमें से हम 2 पाउंड का केक बना लेंगे और रिमेनिंग 1 पाउंड का जो बैटर होगा हम उसके कपकेक्स बना लेंगे। तो चलें अब हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 7 हमें अंडे चाहिए, 1 कप हमें मैदा चाहिए, ग्राम्स में 180 ग्राम होगा। इसको अभी हम छान लेंगे। 1 कप हमें चीनी चाहिए, ग्राम्स में 200 ग्राम होगी और ये पिसी हुई चीनी है। 3/4 कप हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, ml में ये 150 ml होगा और 1.5 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और 1/2 टीस्पून हमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा चाहिए और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। स्टेप नंबर 1 में हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इन सबको छान लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आती है एग्स की और शुगर की। ये टोटल 7 एग्स हैं हमारे पास और जो चीनी हमारे पास है वो 1 कप चीनी है जिसको हमने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया था। अब भी हम सिर्फ और सिर्फ अंडों को बीट करेंगे, इसमें अभी हम चीनी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। अंडों को हमने इतना बीट करना है कि वो बिल्कुल एक फ्लफी और क्रीमी फॉर्म बन जाए। ठीक हो गया, अभी इसमें चीनी ऐड नहीं होगी। जिस टाइम ऐड होगी मैं आपको बता दूंगी, आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, देखते रहिएगा ताकि आपको पता चले। जब भी आपने एग्स को बीट करना है आपने हमेशा स्लो स्पीड से शुरू करना है और फिर हाई स्पीड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना है। एकदम आपने हाई स्पीड से शुरू नहीं करना, नहीं तो आपका जो एग का बैटर है वो सारा बैठ जाएगा और वो फ्लफी नहीं होगा सही से। टोटल मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे ये एग्स को इस तरह बीट करने में और अब आप इनकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एग्स का वॉल्यूम कितना भर गया है और वो कितने फ्लफी हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम शुगर ऐड करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड करेंगे। तकरीबन हम इस शुगर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 5 पार्ट्स में ऐड करेंगे। पहले थोड़ी सी ऐड करेंगे फिर बीट करेंगे और फिर थोड़ी ऐड करेंगे फिर बीट करेंगे। इस तरह हम इसको 5 दफ़ा करेंगे। अगर आप एक साथ ही सारी शुगर डाल देंगे तो उससे ये होगा कि आपका सारा का सारा बैटर बैठ जाएगा। ये जितना फ्लफी हुआ हुआ नहीं है इतना फ्लफी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा और आराम आराम से शुगर ऐड कीजिएगा। और हमारे एग्स भी इसी वजह से इतने फ्लफी हुए थे क्योंकि हमने उसको स्लो स्पीड से शुरू किया था। अगर आपने स्टार्ट पे उसकी हाई स्पीड रखी तो वो कभी भी इतने फ्लफी नहीं होंगे। ये बैटर जितना फ्लफी होगा आपका केक उतना ही सॉफ्ट और उतना ही अच्छा बनेगा। अब आप देख सकते हैं हमारे एग्स और शुगर अच्छे से बीट हो चुके हैं और आप इनकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये देख लें आप इसकी कंसिस्टेंसी, हमारा जो बैटर है वो मशीन से ठहर ठहर के गिर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब बारी है जी एग्स और शुगर के मिक्सचर में। ड्राई मिक्सचर जो हमने बनाया था मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का,
उसको इसमें फोल्ड करने की, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अब ड्राई मिक्सचर को भी मैं 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर फोल्ड करूंगी, और स्पैचुला को मैं एक ही डायरेक्शन में चलाऊंगी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला रही हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलाऊंगी, और अगर मैं क्लॉकवाइज चला रही हूँ तो उसको क्लॉकवाइज ही चलाऊंगी। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो स्पैचुला से सही मिक्सिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए आसानी क्या है? उनके लिए आसानी ये है कि आप स्पैचुला की जगह इस तरह हैंड विस्क से भी फोल्डिंग कर सकते हैं। इसको भी आपने उसी तरह चलाना है, और इससे ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है। स्पैचुला से कई लोगों के लंप्स रह जाते हैं, लेकिन हैंड विस्क से करने से कभी भी नहीं रहते, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और इसको भी आपने इसी तरह चलाना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो क्लॉकवाइज। आपने अपनी डायरेक्शन ही चेंज करनी, और विस्क को आपने इस तरह से चलाना है, थोड़ा सा घुमा के फिर ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आप उसको गोल गोल घुमाएंगे तो ये बैटर बैठ जाएगा, आपने इसको गोल गोल नहीं घुमाना, एक चक्कर लगा के फिर आपने उसको ऊपर की तरफ उठाते जाना है इस तरह। इससे बहुत बेस्ट फोल्डिंग होती है, इससे बेस्ट फोल्डिंग हो ही नहीं सकती। आपने सेम इस तरह से करना है। अब जब सारा का सारा ड्राई मिक्सचर अच्छे से फोल्ड हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी वनीला एसेंस और कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को मैं 2 से 3 पार्ट्स में ऐड करूंगी और इसी तरह फोल्ड करती जाऊंगी। अब हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है, तो हम उसको अब डाल लेते हैं अपने केक मोल्ड में। और हमारा जो केक मोल्ड है, मैंने एक रेक्टेंगल शेप का लिया है, आप राउंड शेप का भी ले सकते हैं। और आपने इसको रेडी कैसे करना है, आपने नीचे लगाना है बटर पेपर और उसके ऊपर ऑयल लगाना है, और ऑयल लगाने के बाद आपने उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है। इस तरह आपका केक नीचे चिपकेगा नहीं। और दूसरा ये कि जब आपने बैटर डाल लिया है तो आपने इसको 2-3 दफ़ा इस तरह टैप कर देना, उससे ये होगा कि जो आपके बैटर के अंदर एयर बबल्स बने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड दी सेकेंड थिंग इज़, आपने जब भी केक का बैटर डालना है आपने केक मोल्ड से 1 इंच नीचे डालना है। आपने कभी भी केक के बैटर को भर के नहीं डालना, क्योंकि उसने फूलना भी होता है, तो उसको स्पेस भी मिलनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब टाइम आता है जी केक को बेक करने का। बेक करने से पहले आपने अपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है। 15 मिनट पहले आप इसको प्रीहीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पे ही, और हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए। 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा केक बेक हो रहा है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हो रहा है। अब हम इसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे टूथपिक से, अगर टूथपिक क्लियर आई तो इसका मतलब हमारा केक पक चुका है, और अगर उस पर केक लगा हुआ तो इसका मतलब अभी वो कच्चा है। तो चलें अब हम इसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। केक हमारा बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं, और अब हम इसको टूथपिक से चेक कर लेते हैं। ये लें जी, टूथपिक क्लियर है, तो अब ये बेक हो चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं। टोटल इसको 30 मिनट लगे हैं बेक होने के लिए 180 डिग्री पे। अब बारी आती है हमारे प्यारे से कपकेक्स की, जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं। वो बनाने के लिए हमें चाहिए इसमें कपकेक लाइनर, जिसको कपकेक पेपर भी कहा जाता है, और एक कपकेक ट्रे। इस रेसिपी से टोटल 9 कपकेक्स और एक 2 पाउंड का केक बना। अब है जी बारी कपकेक्स को बेक करने की, तो कपकेक्स को हम बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 मिनट के लिए। अभी जी बस 5 से 6 मिनट ही गुजरे हैं, तो कपकेक्स को आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे तरीके से बन रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें केक बनाना सिखाएं, तो मैंने सोचा सिर्फ केक ही क्यों, मैं आपको साथ ही कपकेक्स भी बनाना सिखा देती हूँ। तो ये लें जी, ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं।
कपकेक्स को 12 मिनट्स हो चुके हैं ओवन में और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। अब हम इनको ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। ये लें जी जनाब, हमारे केक और कपकेक्स ठंडे हो चुके हैं। मैंने इनको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था 5 से 6 घंटों के लिए और बाद में मैंने इनको कवर कर दिया था। पहले हम नाइफ से इसकी साइड्स अलहदा कर लेंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। अगर आप इसकी साइड्स अलहदा नहीं करेंगे तो ये सही से नहीं निकलेगा, इस तरह ये आसानी से निकल आएगा। ये देखें, ये निकल आया है अब। और अब इसका बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। पहले ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करके केक को नीट कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी लेयर्स कट करेंगे। तीन लेयर्स हमारे केक की निकल आई हैं और आइए अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। केक की हमेशा फ्रॉस्टिंग करने से पहले उसको सॉक कर लेना चाहिए ताकि वो सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। तो मैं जिससे सॉक करूंगी, मैं करूंगी 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क मैंने लिया और 4 टेबलस्पून मैंने उसमें पानी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इस सिरप से मैं उसको सॉक करूंगी। आप 2 और तरह के सिरप से उसको सॉक कर सकते हैं। एक बनेगा शुगर सिरप जिसमें आप डालेंगे 2 चम्मच चीनी और 4 चम्मच पानी, और इसी तरह एक सिरप बनता है दूध से जिसमें आएगा 4 चम्मच दूध और 2 चम्मच चीनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इस सिरप से भी आप सॉक कर सकते हैं अपने केक को। मैं आज करूंगी कंडेंस मिल्क वाले से, इसका टेस्ट सबसे अच्छा है। सबसे पहले लेंगे एक केक बोर्ड, फिर उसके ऊपर रखेंगे अपने केक की पहली लेयर और उसको अच्छे से सॉक कर लेंगे कंडेंस मिल्क वाले सिरप से। फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। और जब वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी फिर हम उसके ऊपर रखेंगे अपनी दूसरी लेयर। इसी तरह सेम प्रोसेस हम दूसरी लेयर के साथ भी करेंगे। पहले कंडेंस मिल्क वाला सिरप लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रीम स्प्रेड करेंगे, उसको अच्छे से सेट करेंगे और इसी तरह यही प्रोसेस तीसरी लेयर के साथ भी होगा। जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद हम क्रीम जो है उसकी साइड्स पे लगाएंगे और उसको फिर एक जैसा कर लेंगे स्क्रैपर से। स्क्रैपर और नाइफ से एक जैसा करने के बाद हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख लें, फ्रॉस्टिंग इस केक की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब बारी है जी केक के ऊपर की मजेदार सी व्हाइट चॉकलेट सॉस बनाने की। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट और 200 ml मैं उसमें डालूंगी मिल्क पैक क्रीम। क्रीम ऐड करने के बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। 1 पार्ट को मैं व्हाइट ही रहने दूंगी और 1 पार्ट में मैं ग्रीन कलर ऐड करूंगी। सॉस को रेडी करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने केक के ऊपर इस तरह हल्की सी ना एक मार्क लाइन लगा लेनी है ताकि आपको पता हो कि आपने व्हाइट कलर किस साइड पे करना है और ग्रीन कलर आपने किस साइड पे करना है। हमारे प्यारे से केक पर अब सॉस अच्छे से लग चुकी है और अब मैं इसके ऊपर ये चांद और सितारा लगाने लगी हूँ। ये 100% एडेबल है, ये फाउंडेंट है और ये चीनी से बनती है। ये भी मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेंट बनाना सिखा नहीं सकती थी क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी।
ये लें जी, केक बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाइपिंग बैग के ऊपर हम स्टार नोजल लगाएंगे बड़ी वाली और इस तरह क्रीम की फ्रोस्टिंग कर लेंगे कपकेक के ऊपर। फ्रॉस्टिंग कर लेने के बाद मैं फाउंडेंट के बने हुए स्टार्स इस तरह कपकेक के ऊपर लगाऊंगी और इनको प्यारा सा डेकोरेट कर लूंगी। ये लेंजी तैयार है हमारे प्यारे से कपकेक्स और हमारा केक। है जी बारी सेलिब्रेशन की, तो चलिए केक कट करते हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के होने से ही हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। केक की सॉफ्टनेस आप चेक कर लें, ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है और इसकी लेयर्स भी देखें कितनी प्यारी आई हैं। अब एक कपकेक की भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि ये कैसा है। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है। केक की एक एक चीज मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताई है ताकि आपको सारी समझ आ जाए। आपने भी सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही सॉफ्ट और ऐसे ही अच्छा बनेगा। हाँ जी, तो फिर कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और मेरा ये एफर्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की इस वीडियो के लिए तो एक लाइक तो जरूर बनता है। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मेरे साथ सब मिलके बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।